आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ झा, आप देख रहे हैं वतन की आवाज। बच्चों, मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सियार की रणनीति। एक जंगल में महाचतुरक नामक सियार रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसकी वांछे खिल गईं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने के कारण वजह से वह हाथी को जीने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश हुआ, परंतु उसकी हाथी की चमड़ी चीरने का समस्या अभी हल ना हुई। थोड़ी देर में उस तरफ से एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसे मनसा भापते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही वह बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत बहुत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई दे रहे हो। सिंह ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने का मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार घबरा कर कहा, भागो, सिंह आ रहा है। इतना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे सियार ने अपने समस्या का हल निकाल लिया।